हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा, उसके अंदर हम लुयोंग पहुँच चुके थे, वो सारा सीन मैंने अपनी पिछली जर्नी दिखाई थी। तो मैंने अब जो है एक यहाँ लुयोंग में जितना भी घूमेंगे फिरेंगे उस जर्नी को मैं अब कवर अप करने लगा हूँ इस व्लॉग के अंदर। और अभी सीन कुछ ऐसा है कि भाई घूम फिर रहे हैं कोई 10-15 मिनट से, अभी तक कुछ खाने को नज़र नहीं आ रहा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो शॉप्स ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई कोई हलाल शॉप मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र आने को नहीं है। सो ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ शहर है, मैं पहले उम्मीद थी कि इधर कुछ मिल जाएगा लेकिन इधर से भी कुछ नहीं मिला। सो चल आगे की तरफ चल पड़े हैं, तो देखते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ लग रहे मिल ही जाए। सो गाइस फाइनली हमें जो है और तो कुछ खाने को नहीं मिला, एक डिश है डोसा जो हमें खाने को मिली है, तो उसको हमने ऑर्डर कर दिया, वो तैयार हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करूं कि अगर इनमें से कभी कोई लुयोंग विज़िट करे तो भाई लुयोंग के ट्रेन स्टेशन से उतरेंगे, आपने बाहर निकल के राइट होना है और उसके बाद थोड़ा सा मुसाफत करनी है और सामने इशारा नज़र आएगा, वहाँ से लेफ्ट होना है और फिर राइट होना है, मतलब सच्चे खब्बे फिर खब्बे, समझ आ गई है ना। तो उत्थे आके दुकान तुहानू जिहड़ा ना विखाती है कि इत्थे आके तुसी डोसा खा सकते हो, ठीक है ना। क्या मतलब है, यहाँ पे आके आप एमरजेंसी जिसको भूख से हालत ख़राब हो वो यहाँ पे आके डोसा ले सकते हो और वो खा सकते हो। सो ये सीन है, बाकी आगे इसके बाद हम जो है एक जगह विजिट करने जा रहे हैं जो कि अभी सरप्राइज़ है, पहुँच कर वो भी आपको सीन बताते हैं। एक्चुअली वी गॉट द डोसा, बट आप हाथ देख रहे हैं लाल सुर्ख हुए हैं भाई, सर्दी खीर किस्म की है, तो अब बस इसको खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, लेते हैं जी डोसा की। पी एफ एम चीज़ हैं वो, अगर लुयोंग आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अच्छा है और एक रीज़नेबल प्राइस में और बिल्कुल स्टेशन के पास है, फ़ौरन से मिल जाता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अच्छा है ये। सो गाइस फाइनली हम जो है डोसा शोसा खा के तो अब एक शॉप पर पहुँचे हैं जहाँ पे हमारी एक फ्रेंड है जिसने जो है चाइनीज़ ट्रेडिशनल सूट पहना है, तो वो यहाँ पे जो है एक ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करते हैं। सो वो शॉप भी आपको दिखाते हैं, और ये देखें ये हमारा भाई जो है वो भी, हालांकि ये गर्ल्स की शॉप है, और ये भाई जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है, क्या सीन है ये देखें, इसने सारी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, अभी दिखाता हूँ, ये देखें ये इसी के लिए सारा खुला हुआ है, ये भाई मेकअप शेकअप ये अभी तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी कोई प्यारा खास नहीं हुआ। सो इधर से एक और हीरो खड़ा हुआ है जो ये भी यहीं पे ही तैयार हुआ है। सो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं भाई ये खड़े हुए हैं, ये जो गर्ल्स के लिए हैं, तो और ये ऊपर जो है ये डिफरेंट किस्म के मतलब के डेमो हैं किस तरह से तैयार होना है। सो कुछ इस तरह का सीन, आपको मेकअप करें, मैं नहीं करता, डोंट वरी, मैं नहीं करता ये काम। सो गाइस ये है यहाँ की स्ट्रीट जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा कि इसको भी सीन के अंदर कैप्चर किया जाए, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फुल ट्रेडिशनल कहते हैं स्ट्रीट है, ये देख ही रहे होंगे इनके सारी हर जगह पर जो है ना इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं, और ये देख रहे हैं जैसे ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, और मतलब लुयोंग जो है वो कंप्लीट एंड फुल ऑफ ट्रेडिशंस है। सो आप इसका थोड़ा सा भी एरिया मूव करेंगे तो इसके डिफरेंट ट्रेडिशन, जैसे ये सामने से जैसे ये देखें आ रहे हैं लोग, तो ये तैयार हुए हुए हैं अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। सो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ये लोग जाते होते हैं, सो कुछ इस तरह के सीन्स हैं, वो सामने देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मुझे तो बड़ा अच्छा सिटी लग रहा है, और क्या कहते हैं इनका मैक्सिमम ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है। वैसे तो चाइना का ये सीन होता है कि हर 300 या 200 किलोमीटर्स के बाद सीन मुख्तलिफ हो चुके होते हैं, ये सीन है। सो नी हाओ गाइस, नी हाओ आप सब लोग कैसे हैं?
से आप सब लोग कैसे हैं? जिस येलो टेंपल की बात कर रहे थे उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। तो अभी उसका बाहर से आपको व्यू दिखाता हूँ, एक थोड़ा सा टच नजर आ रही है, बाकी अंदर जाके तो पूरा सीन दिखाते ही दिखाते हैं। तो बाहर से कुछ इस तरह से है, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी एंट्रेंस है, ये वाली इसकी एंट्रेंस है, और जो येलो टेंपल है वो ये ठहरा हुआ है, हमने उधर जाना है। सो अभी इधर एंटर होते हैं तो बाकी सीन आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स हैव वेट फॉर अ व्हाइल। सो गाइस, इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरह से है, ये है इसकी एंट्रेंस, बाकी आप लोगों को इसका अंदर का सीन दिखाते हैं कि क्या है। सो गाइस, ये इनकी इबादत क्या है, सो इसका अंदर से आई थिंक अभी जो है ना अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर कोई काम वगैरह हो रहा है। सो बाहर से इसका कुछ इस तरह से सीन है कुछ। ये है इसकी एंट्रेंस, अभी इंटर होते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या सीन है। ये देखें जी, लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते फिरते हैं और पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। बेसिकली वहाँ पर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह का सीन है इसका। इसको कहते हैं येलो टेंपल। सो भाइयों, ये एक और टेंपल है, इसमें इंटर होते हैं और इसमें सीन देखते हैं कि क्या है। सो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए हैं, वो भी एक ही जगह पर डिफरेंट किस्म के ट्रेडिशंस को फॉलो अप कर रहे हैं। तो लुयोंग सिटी की बेसिकली जो एक हिस्ट्री है वो ये है कि एंशियंट दौर के अंदर, मतलब आई थिंक सो चाइना की कुछ 10 डायनेस्टीज थी जिनका जो है लुयोंग कैपिटल हुआ करता था। सो राइट नाउ अब जो है इधर का ये सीन है कि जो डिफरेंट किस्म के आप ड्रेसेस देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ डिफरेंट डायनेस्टीज को रिप्रेजेंट करता है। सो लोगों को जौन सी डायनेस्टी का जिसके साथ लगाव है या जौन सा सूट पसंद आता है वो लोग पहनते हैं, और न्यू ईयर के अंदर एक तरह से यकजहती शो करते हैं, और एक तरह से उनके लिए जो है ना ये खुशी का लम्हा होता है, तो इस तरह से वो एक खुशी महसूस करवाते हैं। और आपने मुख्तलिफ टेंपल्स देखे होंगे, टेंपल्स का ये सीन है कि हर डायनेस्टी जो है ना उस हिसाब से टेंपल बना के तो अपनी जो है ना एंशियंट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या वो लोगों तक दिखा रही होती है कि भाई क्या सीन था उन दौर के अंदर, हमारी डायनेस्टी का क्या सीन था। सो बेसिकली अगर मैं एक इसकी समरी निकालूं तो ये है कि लुयोंग जो सिटी है वो एक तरह से इनके ट्रेडिशनल चाइना के ट्रेडिशनल सिटीज़ में आता है, क्योंकि इसका जो है हिस्ट्री के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। सो आज के व्लॉग में इतना ही, उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये सारी डॉक्यूमेंट्री और मेरी ये काविश। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।